सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम् ई गुरुकुलम् प्रति भवताम् भवतीनाम् च हार्दम् स्वागतम्। मित्रों, आज से यह एक नई श्रृंखला आरंभ हो रही है, जो यह श्रृंखला दीर्घ काल तक चलेगी। इस श्रृंखला के अंदर मित्रों केवल और केवल आपको संस्कृत संभाषण के लाखों की संख्या में वाक्यों का अभ्यास मात्र कराया जाएगा। आपको किसी भी वाक्यों को रटने की आवश्यकता नहीं है, मात्र आपको वीडियो देखना है। वीडियो आपके लिए हम 10 से 15 मिनट की बनाएंगे। प्रतिदिन हमारा प्रयास रहेगा, आपको वीडियो दी जाएगी। इन वीडियो को आप अन्यों को निरंतर शेयर करते रहें मित्रों, क्योंकि देववाणी संस्कृतम YouTube चैनल इसका लक्ष्य है, लक्ष्यमेकम संस्कृतम गृहे गृहे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हर घर में संस्कृत भाषा हो। 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन उनके गृह पर ही बैठे बैठे धारा प्रवाह शुद्ध संस्कृत भाषा का लेखन संभाषण और पुस्तक पढ़कर अर्थ समझना सिखाने के लिए कृत संकल्पित है देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वार। इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा इन वीडियोज को। आइएगा मित्रों, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वारम संस्कृतम वदतु। आप संस्कृत बोलें। संस्कृतम भवतु गृहे गृहे। घर घर में संस्कृत भाषा हो। व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है आपको, कोई भी जानकारी आपको चाहिए इस व्हाट्सएप नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं। यह कॉलिंग नंबर दिया जा रहा है आपको, इस पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रशिक्षक आचार्य श्रवण कुमार व्याकरण दर्शन वेदाचार्य, ये मैं स्वयं हूँ, मैं ही स्वयं इस चैनल पर पढ़ाता हूं आप सभी को। आइए मित्रों, आप संस्कृत संभाषण के लिए वाक्यों का आरंभ करते हैं। देखिएगा, पाठका, ये भूमिका बनाइए। पाठका माने पढ़ने वाले, जो पाठक हैं वो कहते हैं, अपने पढ़ाने वाले को कहते हैं महोदय, नमस्ते। कोई पुरुष उनके पढ़ाने वाले हैं तो उनको वो कहते हैं महोदय नमस्ते। कोई जिनको अफसर बोलते हैं, हम संस्कृत में उनको बोलते हैं महोदय, महोदय नमस्ते। और कोई अध्यापिका है पढ़ाने वाली, कोई मैडम है टीचर, तो उनको कहेंगे महोदय नमस्ते। अब जब ये पढ़ने वाले लोग उनको नमस्ते करते हैं, तब जो अध्यापक अध्यापक अथवा अध्यापिका उत्तर देती हैं, भोः प्रिय पाठकाः नमस्ते। वो भी कहते हैं, हे प्रिय पाठकों, आप सभी को भी नमस्ते। तो ये अध्यापक भी कह सकते हैं अपने पाठकों के लिए, और कोई अध्यापिकाएं वो भी यही बात कह सकती हैं। और फिर आगे पूछते हैं अध्यापक अथवा अध्यापिका, सर्वे कथम संति, सर्वे कथम संति।
आप सभी कैसे हैं, पाठकों को पूछ रहे हैं, आप सभी कैसे हैं। पाठक आप पाठक उत्तर देते हैं, वयम सर्वे कुशलिनः स्मः, हम सभी कुशल हैं, सकुशल हैं। भवन्तः कथं सन्ति, आप कैसे हैं, अध्यापक महोदय आप कैसे हैं, गुरुजी कैसे हैं। तो भवन्तः कथं सन्ति, जब किसी को कोई आदरवाची कोई हमसे बड़ा होता है उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, एक के लिए भी। अब अध्यापक जो पुरुष है, अध्यापक वो उत्तर देंगे, अहम अपि कुशली अस्मि, मैं भी कुशल हूं, मैं भी सकुशल हूं। और कोई अध्यापिका है तो वो कहेंगी अहम अपि कुशलिनी अस्मि, मैं भी कुशल हूं। ये अध्यापिका के लिए, ये अध्यापक के लिए है, ठीक है, चलिएगा। अब अध्यापक अथवा अध्यापिका कहती हैं, भोः पाठक वृंदा, हे पाठक वृंद, हे पाठक समूह, अद्यतः वयं सर्वे मिलित्वा संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासं कुर्याम किम्। आज से, अद्यतः आज से वयं, हम सभी सर्वे मिलित्वा संस्कृत संभाषण का अभ्यास करें क्या, प्रश्न रूप में कहा, क्या आज से हम सभी मिलकर के संस्कृत संभाषण का अभ्यास करें क्या। तो पाठक कहते हैं, पाठकाः, पाठक कहते हैं, आम आम, हाँ हाँ, बहुशोभनम बहुशोभनम, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब अध्यापक कहते हैं, अध्यापकाः अथवा अध्यापिका जो भी है वो कहते हैं, अस्तु ठीक है, अस्तु ठीक है, आगच्छता आओ आओ, आरंभम कुर्मः, चलो संस्कृत संभाषण आरंभ करते हैं। वर्तमान कालः लटलकारः, वर्तमान काल के लटलकार, वर्तमान काल में लटलकार होता है, उसके वाक्यों का अभ्यास करेंगे, ठीक है, चलिएगा, आ जाइएगा, तैयार हो जाइएगा। छात्राः संस्कृतं पठति, छात्र संस्कृत पढ़ता है, छात्राः संस्कृतं पठन्ति, बहुत सारे छात्र संस्कृत को पढ़ते हैं। सः संस्कृतं पठति, वह संस्कृत को पढ़ता है। ते संस्कृतं पठन्ति, वे संस्कृत को पढ़ते हैं। ते माने वे पुरुष, त्वं संस्कृतं पठसि, तुम संस्कृत को पढ़ते हो। यूयं संस्कृतं पठथ, यहां ये गलत है, ये पठथ ऐसा होगा, यूयं संस्कृतं पठथ, तुम सभी संस्कृत पढ़ते हो। भवान संस्कृतं पठति, पुरुष में पुल्लिंग में, आप संस्कृत पढ़ते हैं। भवती संस्कृतं पठति,
स्त्री के लिए आप संस्कृत पढ़ती हैं। भवन्तः संस्कृतम् पठन्ति, आप संस्कृत पढ़ते हैं, आप सभी संस्कृत पढ़ते हैं। भवत्याः संस्कृतम् पठन्ति, और आप सभी स्त्रियां संस्कृत को पढ़ती हैं। अहम् संस्कृतम् पठामि, मैं संस्कृत को पढ़ता हूँ। वयम् संस्कृतम् पठामः, हम संस्कृत को पढ़ते हैं। चित्रकारः पत्रम् लिखति, चित्रकार पत्र को लिखता है। चित्रकाराः पत्राणि लिखन्ति, बहुत सारे पत्रकार चित्रों को लिखते हैं। सः पत्रम् लिखति, वह पत्र को लेटर को लिखता है। ते पत्राणि लिखन्ति, वे सभी पत्रों को लिखते हैं। त्वं पत्रम् लिखसि, तुम पत्र को लिखते हो। यूयं पत्राणि लिखथ, तुम सभी पत्र को लिखते हो। भवान् पत्रम् लिखति, आप पत्र को लिखते हैं। भवती पत्रम् लिखति, आप पत्र को लिखती हैं। भवन्तः पत्राणि लिखन्ति, आप सभी पत्रों को लिखते हैं। भवत्याः पत्राणि लिखन्ति, आप सभी पत्रों को लिखती हैं। अहम् पत्रम् लिखामि, मैं पत्र को लिखता हूँ। वयम् पत्राणि लिखामः, हम सभी पत्रों को लिखते हैं। युवकः नगरम् गच्छति, युवक यंग कहाँ जाता है, नगर को जाता है। युवकाः नगरम् गच्छन्ति, बहुत सारे युवक नगर को जाते हैं। सः नगरम् गच्छति, वह नगर को जाता है। ते नगरम् गच्छन्ति, वे सभी नगर को जाते हैं। त्वं नगरम् गच्छसि, तुम नगर को जाते हो। नगर में सिटी। यूयं नगरम् गच्छथ, तुम सभी नगर को जाते हो। भवान् नगरम् गच्छति, आप नगर को जाते हैं। भवती नगरम् गच्छति, आप नगर को जाती हैं। भवन्तः नगरम् गच्छन्ति, आप सभी नगर को जाते हैं। भवत्याः नगरम् गच्छन्ति, आप सभी नगर को जाती हैं। अहम् नगरम् गच्छामि, मैं नगर को जाता हूँ। वयम् नगरम् गच्छामः, हम सभी नगर को जाते हैं।
बालकः धावति, बालक दौड़ता है। बालकः धावन्ति, बहुत सारे बालक दौड़ते हैं। त्वं धावसि, तुम दौड़ते हो। यूयं धावथ, तुम सभी दौड़ते हो। भवान धावति, आप दौड़ते हैं। भवती धावति, आप दौड़ती हैं। भवन्तः धावन्ति, आप सभी दौड़ते हैं। भवत्याः धावन्ति, आप सभी दौड़ती हैं। अहम् धावामि, मैं दौड़ता हूँ। वयम् धावामः, हम सभी दौड़ते हैं। तो मित्रों, आज की कक्षा में हमने इतना पढ़ा। आगे निरंतर इसी प्रकार से आपको हम लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में संस्कृत के बोलचाल के वाक्य उपलब्ध कराते रहेंगे। आप वीडियोज को देखते रहिएगा। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब हम बोलते हैं एक वचन बोलेंगे तो एक का बोध होगा, बहुवचन बोलेंगे तो बहुवचन का अर्थ है दो भी हो सकता है और दो से अधिक भी हो सकता है। दो के लिए हम बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए द्विवचन हमने छोड़ दिया है संभाषण में। संभाषण में द्विवचन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है? ये ध्यान देंगे आपको, ये वाक्यों में चलिएगा। इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं मित्रों, और आपसे निवेदन करते हैं अधिक से अधिक लोगों को इन वीडियोज को शेयर कीजिएगा और स्वयं बार बार इनको सुनिएगा और बोलने का अभ्यास कीजिएगा। संस्कृत की कक्षाएं आपको पढ़ाई जा रही। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।